दोस्तों चाइना के बाद इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है। और दोस्तों भारतीय आर्मी दिन रात एक करके अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के बॉर्डर पर दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। और दोस्तों किसी भी देश की रक्षा के लिए डिफेंस में बेस्ट मशीनरी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। और दोस्तों इन्हीं मशीनरीज में सबसे ज़रूरी चीज़ व्हीकल्स हैं, क्योंकि दोस्तों भारत की जियोग्राफिक लोकेशन काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ थार के रेगिस्तान में रेत ही रेत है। और साउथ की तरफ चले तो वहां पर पानी और बीच का इलाका है। तो दोस्तों ऐसे में इंडियन आर्मी को ऐसे व्हीकल्स चाहिए जो कि हर तरह से किसी भी जगह पर आसानी से चल सकें और काम आ सकें। तो दोस्तों ऐसे में कई सारे इंडियन कार मेकर कंपनीज हैं जो कि डिफेंस के लिए व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि डिफेंस के लिए आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है और आर्मी को सप्लाई करती है, जैसे कि टाटा मोटर्स। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उन रफ एंड टफ व्हीकल्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि इंडियन आर्मी इस्तेमाल में लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं महिंद्रा की एसयूवी कार से, महिंद्रा स्कॉर्पियो से। दोस्तों इंडियन आर्मी महिंद्रा स्कॉर्पियो को इस्तेमाल में लाती है। दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो की खास बात है कि इस गाड़ी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कार ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों में बेटर परफॉर्मेंस देती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो में 2.2 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन मिल जाता है जो कि 120 bhp की मैक्सिमम पावर और 280 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क जनरेट करता है। ये कार मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ स्टैंडर्ड में मिलती है, वहीं कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी अवेलेबल है। महिंद्रा स्कॉर्पियो के टॉप वेरियंट्स में 4-wheel drive कॉन्फिग्रेशन भी मिल जाती है। इस कार को ज़्यादातर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे कि ITBP के जवान पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। दोस्तों लिस्ट में अगली गाड़ी है टाटा मोटर्स की टाटा सुमो। हालांकि दोस्तों ये गाड़ी इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये कार इंडियन आर्मी के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। दोस्तों टाटा सुमो में खुला स्पेस मिल जाता है और इस गाड़ी का डिजाइन भी रफ एंड टफ है, जिसकी वजह से हर तरह के इस्तेमाल के लिए टाटा सुमो को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। टाटा सुमो दोस्तों स्टार्टिंग में 4-wheel drive कॉन्फिग्रेशन के साथ भी आया करती थी जो कि आर्मी के लिए सूटेबल थी। टाटा सुमो के अंदर 7 से 10 लोग आराम से आ सकते हैं। इस गाड़ी में टाटा मोटर्स 3.0 लीटर का CR4 डीजल इंजन ऑफर किया करती थी जो कि 83 हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर का दमदार टॉर्क जनरेट किया करता था। दोस्तों आपने टाटा सुमो को हर तरह के इस्तेमाल में देखा होगा, चाहे एम्बुलेंस का व्हीकल हो, चाहे पुलिस के लिए इस्तेमाल में हो या फिर आर्मी के लिए। टाटा सुमो हर तरह की कैटेगरी के लिए एक सूटेबल व्हीकल हुआ करती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये कार इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। दोस्तों लिस्ट में अगली गाड़ी है कम कीमत में मोस्ट पावरफुल एसयूवी कार टोयोटा फॉर्च्यूनर। दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर में पावरफुल इंजन मिलता है, जिसकी वजह से ये कार आर्मी के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। खासतौर पर ITBP के लिए पेट्रोलिंग के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर में पावरफुल इंजन मिलता है और दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है जिसे कस्टमाइज कराने पर, इसे बुलेट प्रूफ बनाने पर और इसे हथियारों से लैस करने पर इस गाड़ी का इंजन इसका वजन आसानी से संभाल सकता है, जिसकी वजह से ये कार आर्मी के लिए एक सूटेबल व्हीकल है। गाड़ी में 2755 cc का डीजल इंजन मिलता है जो कि 174 bhp की शानदार पावर और 420 न्यूटन मीटर का दमदार टॉर्क जनरेट करता है। और ये कार 4-wheel drive कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर एक सूटेबल व्हीकल है। लिस्ट में दोस्तों अगली गाड़ी है मित्सुबिशी पजेरो। दोस्तों मित्सुबिशी पजेरो एक प्रीमियम एसयूवी कार है और इस कार को ऑफ रोडिंग के लिए खास तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में भी पावरफुल इंजन मिलता है। मित्सुबिशी पजेरो में 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो कि 120 bhp की मैक्सिमम पावर और 280 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अभी इस टाइम अवेलेबल मार्केट में मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट मिलती है जो कि 2.5 लीटर के 4-cylinder डीजल इंजन के साथ आती है। इस कार को भी कई बार बॉर्डर पर आर्मी के लिए इस्तेमाल में स्पॉट किया जा चुका है। दोस्तों लिस्ट में अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी जिप्सी। ये कार भी दोस्तों इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को अलविदा कह चुकी है, लेकिन अभी भी ये कार आर्मी के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, क्योंकि दोस्तों मारुति सुजुकी जिप्सी कम कीमत में मिलती थी और गाड़ी की बॉडी और रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से आर्मी के लिए ये गाड़ी पहली पसंद थी। और वहीं दोस्तों सुमो की तरह इस कार के अंदर भी खुला स्पेस मिल जाया करता था और आपने भी मारुति सुजुकी जिप्सी को कई बार मूवीज में पुलिस के इस्तेमाल में, आर्मी के इस्तेमाल में और एम्बुलेंस के इस्तेमाल में देखा होगा। दोस्तों लिस्ट में अगली गाड़ी है टाटा सफारी स्टॉर्म। दोस्तों टाटा सफारी स्टॉर्म भी एक ऐसी एसयूवी कार थी जिसने कई सालों तक इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को एसयूवी कार सेगमेंट में डोमिनेट करके रखा, लेकिन दोस्तों पिछले साल इस गाड़ी को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया गया।
लेकिन अभी भी ये कार आर्मी के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। फायरस्टॉर्म में पावरफुल 2.2 लीटर का फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिला करता था, जो कि 154 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क जनरेट किया करता था। और वहीं टाटा फायरस्टॉर्म फोर व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन में भी मिलती थी। दोस्तों, टाटा फायरस्टॉर्म चाहे हिली एरिया हो या फिर रेतीली इलाका, हर तरह के रोड पर ये गाड़ी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती थी, जिसकी वजह से टाटा फायरस्टॉर्म आर्मी की पहली पसंद थी। दोस्तों, लिस्ट में अगली गाड़ी है हिंदुस्तान एम्बेसडर। दोस्तों, इस गाड़ी को तो आप जानते होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये गाड़ी इंडिया की सड़कों पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन एक टाइम था जब भारत की सड़कों पर इसी गाड़ी का राज हुआ करता था, लेकिन अभी ये गाड़ी इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। हिंदुस्तान एम्बेसडर को आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स इस्तेमाल में लाते थे और अभी भी ये गाड़ी कई जगहों पर इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं दोस्तों, इन सभी व्हीकल्स के अलावा आर्मी और भी कई सारे व्हीकल्स को इस्तेमाल में लाती है, जैसे कि स्नो में चलाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन व्हीकल्स बनाए गए होते हैं, जैसे कि पोलरिस, स्नो मोबाइल और मोपेड बाइक एक्सेट्रा। रेतीले इलाकों में, दलदल के इलाकों में चलाने के लिए ट्रेन व्हीकल्स को अलग से डिजाइन किया जाता है। अगर दोस्तों आपको ट्रेन व्हीकल्स के बारे में भी एडिशनल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।